बच्चों, मेरा नाम है दशरथ कुमार पारासर, मोहम्मद अशफुल कामा। आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आपको पता है कि कोरोना बीमारी की वजह से अपने विद्यालय नहीं घूम पा रहे हैं, तो बच्चों से जुड़ाव बना रहे, बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए हमारी संस्था ने ऑनलाइन क्लास चलाई है। लागू टेंथ क्लास सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, देखिए कोई भी हम भोजन करते हैं, सीधी सी बात है, अपना भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी शारीरिक वृद्धि बनी रहे, हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं हो। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, भोजन ऐसा हो जो संतुलित हो। तो सीधी सी बात है, संतुलित भोजन कौन सा होगा आपका, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये छह तत्व उपस्थित होंगे तो हमारा भोजन कैसा हो गया, संतुलित। लेकिन यदि इनमें से एक भी तत्व क्या रहा, अनुपस्थित रहा या उस तत्व की कमी रही, हम क्या कहेंगे, भोजन कैसा हो गया आपका बेटा, असंतुलित। कैसा हो गया, असंतुलित। अब बात आती है कि भोजन हमारा संतुलित है या असंतुलित है, इसके लिए हम बात करते हैं कुपोषण की। मैंने आपको बताया था भोजन के लिए छह आवश्यक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। मान लीजिए आप भोजन करते हैं, डेली भोजन करते हैं, सभी करते हैं और जीवन के लिए भोजन भी चाहिए अपने को, लेकिन इनमें से किसी एक भी तत्व की या एक से अधिक तत्वों की कमी लगातार हमारे भोजन में हो गई, हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसका शिकार हो जाएंगे भाई, कुपोषण का। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपका जो कुपोषण है तीन प्रकार का होगा मेनली, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। हम इनमें एक एक तरह की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन कुपोषण की। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो विटामिन है, यद्यपि इनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म आवश्यक है, सूक्ष्म मीन्स कम मात्रा में, लेकिन फिर भी कम मात्रा में होते हुए भी यदि इनमें से एक की भी कमी हो गई तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई है इसकी, जो अपने विटामिन है, रथ एक कॉफी, क्या बोलेंगे, रथ एक कॉफी, रैसे रेटिनॉल, था थायमिन, ए एस्फोर्बिक अम्ल, तो कैल्सिफ्रॉल, तो कोफॉल, सी फाइलोक्विनोन। देखिए अपने कोर्स में हम आपको ये दे रहे हैं 500 नंबर तक, लेकिन विटामिन ई और के भी होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिव्यू में आप देखते हैं तो विटामिन जो ए होता है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। कौन सा होता है ना, रतौंधी। इस रतौंधी रोग के लक्षण क्या है कि हमको रात्रि में दिखाई नहीं देगा। यदि आपको रतौंधी रोग है तो आपको रात्रि में दिखाई नहीं देगा। दूसरा है विटामिन बी1, इसका नाम है थायमिन। क्या नाम इसका, थायमिन। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी से लक्षण देखें आप, हृदय धड़कन कम हो जाती है, जो आपकी हार्ट बीट है, आपको पता है अपना हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो सीधी सी बात है इस रोग में हार्ट बीट है आपकी डाउन हो जाएगी और आपकी जो पेशियां तंत्रिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी3, इसका नाम है नियासिन। रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। इसकी कमी से रोग होता है पैरेग्रा, और पैरेग्रा रोग यदि हो गया तो समझ लीजिए आपकी जीव और त्वचा है उस पर पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं। पपड़े जानते हो ना, इससे आलू को छीलते हैं वैसे क्या पड़ जाती है, आपकी पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं। विटामिन बी2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो रोग होगा वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। इसकी कमी से मुंह के किनारे और आपकी जो होठ की त्वचा है, होठों वाली त्वचा या मुंह के जो किनारे हैं ये फटने लग जाते हैं और आपकी याददाश्त, स्मृति है वो क्या हो
विटामिन B1, B2 और B3। विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसलों में खून आने लगता है और त्वचा पर लाल रंग के चकते चकते मीन्स गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। बात करें विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफ्रोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स में हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। मैंने आपके यही आपके कोर्स में ए बी और डी के बता रहे हैं, B1 B2 B3 विटामिन सी और डी। इसके अलावा विटामिन ई और के भी होते हैं। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जो हमारी प्रजनन क्षमता है उसमें क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। विटामिन के है, इसका नाम है फाइलिक यूनाउ, पक्षाघात रोग हो जाता है, पक्षाघात मीन्स लकवा। इसके